हे गाइस, वेलकम बैक और एक नई वीडियो में। दोस्तों, फाइनली बहुत इंतजार के बाद ओ डायलर में एक नया अपडेट आ चुका है। इसका मतलब ओ डायलर में जो कलरवाइज डायलर है, ओप्पो रियलमी वन प्लस का जो ऑफिशियली डायलर है, वहां पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, इनकमिंग कॉल में साउंड नहीं आ रहा था, इनकमिंग कॉल में जो स्क्रीन कॉल स्क्रीन है बहुत ही ज्यादा लेट में आ रहा था, वाइब्रेशन नहीं हो, प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो बहुत दिनों के बाद फाइनली अपडेट आ चुका है। तो आज मैं इस वीडियो आपको बताऊंगा कौन सा प्रॉब्लम को फिक्स क्या जा रहा है, आप कैसे इसको अपडेट कर सकते हो और अपडेट का वर्जन क्या है और इसमें आपको क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिल रहा है ओ डायलर में लेटेस्ट अपडेट के बाद। अगर आप ओ डायलर को यूज करते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। दोस्तों, आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, मेरा डिवाइस में ओ डायलर इंस्टॉल है, मैंने इसको यूज भी कर रहा हूँ। तो आप फिलहाल इसका वर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसका जो वर्जन है मेरा डिवाइस में इंस्टॉल है 13.1.5 और इसका लेटेस्ट वर्जन का अपडेट भी आ चुका है। इसके लिए सिंपली आपका डिवाइस में आप प्ले स्टोर को ओपन करना, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करना कलर ओएस। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, मैं प्ले स्टोर को ओपन किया, ऊपर में आपको जस्ट लिखना है कलर ओएस। तो कलर ओएस लिखने के बाद आपके सामने देखिए ओ डायलर यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आप ओ डायलर को जैसे ही ओपन करो कि यहाँ पे देखिए आपके सामने एक अपडेट आ चुका है और ये जो अपडेट है, आप डेट देखिए, अपडेट रिलीज लेटेस्ट अपडेट फरवरी 22, 2023। और गाइस, ये जो अपडेट है इसमें आपको जो प्रॉब्लम को फिक्स किया जा रहा है, आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, नीचे में देखिए बग फिक्स, सिंपली यहाँ पे बग फिक्स लिखा जा रहा है। तो फटाफट गाइस, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ लेटेस्ट वर्जन में, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे अपडेट वर्जन के ऊपर क्लिक किया, जब तक गाइस अपडेट होता है इसका वर्जन चेकआउट कर लेते हैं कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, मैंने डाटा कनेक्शन को ऑन कर देता हूँ, मेरा डाटा कनेक्शन ऑफ था। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं अबाउट दिस में तरफ और गाइस, इसका वर्जन भी आप देख सकते हो 13.1.6 है। पुराना वाला जो वर्जन था वो था 13.1.5, लेकिन यहाँ पे 13.1.6 दिया जा रहा है और इसका साइज भी देख लीजिए 6.21 MB का। आप इसका रिलीज डेट देखिए, कलर स्टोर के एंड्रॉइड 12 का अपर वर्जन। और गाइस, ये अपडेट यहाँ पे होने वाला है, आप देखिए यहाँ पे अपडेट हो रहा है, 50% यहाँ पे हो चुका है, 72% हो चुका है, लगभग अपडेट कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलिंग हो रहा है। थोड़ा सा गाइस वेट कर लेते, देखिए गाइस इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वाला देखने को मिल जाएगा, कुछ भी आपके इंटरफेस में चेंज नहीं किया जा रहा है। नीचे में देखिए आपको फोन का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपको कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन में आपका डिवाइस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर में देखिए आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएगा, 3 डॉट ऑप्शन में क्लिक करना, यहाँ पे देखिए आपको एडिट, मैनेज कॉन्ट्रैक्ट, सेटिंग, ब्लॉक और स्कैन कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेटिंग में देखिए आपको सेम टू सेम आपको वही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीड डायलर है, आपको आंसर है, कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है। कॉल रिकॉर्डिंग में आप देखिए यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग में किसी भी आप स्पेसिफिक नंबर पे अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग नंबर। अगर अननोन नंबर आप इसको यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग ऑल कॉल, मतलब अगर आप ऑल कॉल को रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो सिंपली आप ये जो फीचर्स है इसको आप इनेबल कर देना, तो ऑल कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको इस डायलर में मिल जाता है। चेक करके देख लेते जो प्रॉब्लम हो रहा था, इनकमिंग कॉल में साउंड नहीं आ रहा था, वो प्रॉब्लम इस अपडेट के बाद फिक्स हुआ या फिर नहीं। आप फिलहाल देखिए मेरा डिवाइस में आप यहाँ पे देखिए म्यूट नहीं है, आप नॉर्मल मोड में है और फिलहाल मैं दूसरे फोन से इस फोन में कॉल लगा लेता हूँ, आप यहाँ पे वेट कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए गाइस, फोन यहाँ पे हो रहा है रिंग, यहाँ पे हो रहा है, आप देखिए कॉल भी आ चुका है और रिंगिंग हो रहा है, डिवाइस वाइब्रेट भी हो रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए डिवाइस वाइब्रेट भी हो रहा है, कॉल भी आ रहा है। मतलब गाइस, जो प्रॉब्लम था रिंगिंग वाला वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है और ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो चुका है और बहुत ही आसानी से फिक्स हो चुका है। अगर आपका डिवाइस में रिंगिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा है, कॉल आने पे डिवाइस में रिंग नहीं हो रहा है, तो गाइस आप जाओ प्ले स्टोर में इसको अपडेट कर लो। अगर आप प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपको अगर नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ, इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल से इसको अपडेट कर सकते हो ओ डायलर को। तो फिलहाल मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो मैं दूसरे फोन से इस नंबर को कॉल किया, आप देखिए कॉल आने वाला है, देखिए कॉल आ चुका है, रिंग भी हो रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है। तो बहुत ही मस्त गाइस, इस अपडेट को आप फटाफट कर लेना। तो ये अच्छी वीडियो इतना ही था, अगर आपका डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर नीचे कमेंट करके कमेंट करके बताना और इस अपडेट को करने के बाद सॉल्व हुआ या फिर नहीं वो भी आप कमेंट करके कमेंट करके बताना। तो गाइस, अच्छा वीडियो इतना ही था, वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में प्रेस कर देना। मैं ऐसे ही हर रोज वीडियो अपलोड करता रहता हूं इसी चैनल में। तो मिलता है एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा, गुड बाय, जय हिंद।